मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म संजू का टीजर हाल ही में रिलीज हो चुका है। टीजर को देख आप पहचान नहीं पाएंगे कि रणबीर कपूर भी इस फिल्म में है। चलने फिरने लुक और बोलने तक रणबीर संजय दत्त को घोल कर पी गए हैं। वहीं इस फिल्म में आपको संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े कई और लोगों के किरदार देखने को मिलेंगे। टीजर में बेशक किसी भी किरदार से पर्दा ना गिराया गया हो, लेकिन हम आपको सभी किरदारों की जानकारी यहां देने वाले हैं। फिल्म में संजय दत्त के पिता के किरदार में परेश रावल नजर आएंगे। रणबीर कपूर की तरह ही परेश ने भी सुनील दत्त को कॉपी करने की कोशिश की है। संजय दत्त को ड्रग्स की लत से बाहर निकालने में सुनील दत्त ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुमकिन है फिल्म में सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। वहीं फिल्म में मनीषा कोइराला संजय दत्त की माँ और दिवंगत अभिनेत्री नरगिस दत्त का किरदार निभाती दिखेंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के बचपन का रोल प्ले कर चुकी अशनूर कौर संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त के बचपन का रोल निभाती दिखेंगी। वहीं टीवी के नन्हे सितारे सिद्धार्थ निगम संजू से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में सिद्धार्थ सलमान के किरदार में दिखेंगे और उनमें सलमान की पूरी झलक नजर आएंगी। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि सलमान के रोल में जिम सरफ भी नजर आ सकते हैं, जो हाल ही रिलीज पद्मावत में अपनी भूमिका से चर्चा में आए थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पूजा भट्ट के रोल में आलिया भट्ट नजर आएंगी। फिल्म में बोमन ईरानी फिल्म मेकर संजय गुप्ता के रोल में दिखेंगे और जूही चावला के रोल में रिया चक्रवर्ती खास भूमिका में दिखाई देंगी। कुमार गौरव संजय दत्त की बहन नम्रता के पति हैं और एक समय अभिनेता रहे कुमार गौरव के रोल में नजर आने वाले हैं विकी कौशल। विकी मसान और रमन राघव जैसी फिल्मों से अभिनय के लिए तारीफ हासिल कर चुके हैं। विकी असल जिंदगी में भी संजय दत्त के काफी करीब है। फिल्म में दिया मिर्जा संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के रोल में नजर आएंगी। मान्यता संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। फिल्म में अनुष्का शर्मा पत्रकार की भूमिका में दिखेंगी। वहीं फिल्म में सोनम कपूर भी नजर आएंगी और सोनम को लेकर अफवाह है कि वो माधुरी दीक्षित के किरदार में दिखेंगी। आपको बता दें कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक्स लवर्स रह चुके हैं। साजन फिल्म के बाद दोनों के अफेयर की खबरें अखबारों की हेडलाइंस बनती थी। हालांकि संजय दत्त के जेल जाने के बाद दोनों की राहें अलग हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।